दोस्तों सब्सक्राइब करिए एंड्रॉइड को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को हमारी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड। और आज के अपने इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं एक छोटा सा सोल्यूशन है। जब आप TWRP अगर आप यूज करते हैं तो उसमें कभी कभी होता क्या है कि आप जब TWRP में बूट करते हैं अपने फोन को, तो वहाँ पे जब कोई चीज़ बैकअप लेने जाते हैं, कोई रिस्टोर करने जाते हैं, कोई रोम फ्लैश करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज 0 MB दिखती है। और जब आप कोई चीज़ रिस्टोर करते हैं, बैकअप लेते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे अनेबल टू माउंट स्टोरेज का इशू दिखाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, बट मैंने बहुत जगह सर्च किया तो लोगों ने कहा कि आपको फिर से TWRP फ्लैश करनी पड़ेगी, कुछ ने कहा कि रोम आपको फ्लैश करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में होता क्या है कि आपका फ़ोन हो चुका होता है इनक्रिप्ट और उसे डिक्रिप्ट करना होता है बस, और वो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको फ़ोन को डिक्रिप्ट करने के लिए सिंपली यही जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ ये फॉलो करने पड़ेंगे और एकदम सिंपल है, आप बाद में समझ जाएंगे। तो अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए और आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन को बूट करना होगा रिकवरी मोड में, और रिकवरी मोड में जैसे ही बूट करते हैं उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो अब मेरा फोन रिकवरी मोड में बूट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पासवर्ड मांग रहा है, तो ये पासवर्ड कोई और पासवर्ड नहीं है, अपने स्क्रीन लॉक के लिए जो पासवर्ड लगाया हुआ है, पिन या पासवर्ड। अगर आपने पैटर्न लगाया है तो पैटर्न को चेंज करिए अभी के अभी, पहले फोन को ऑन करिए और उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाके, सिक्योरिटी में जाके स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है उसे आप पिन या पासवर्ड में चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कैंसिल कर देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन कैंसिल करने पे फिर आपको वही इशू आएगा 0 MB वाला, इंटरनल स्टोरेज 0 MB वाला। तो आपको कैंसिल नहीं करना, आपको जो आपने अपने स्क्रीन को लॉक करने के लिए जो पासवर्ड लगाया हुआ है या पिन लगाया हुआ है वही आपको यहाँ पे डालना है अपने फोन को डिक्रिप्ट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं मैंने जो स्क्रीन में स्क्रीन लॉक के लिए पिन लगाया हुआ है, मैं पिन डालूंगा। अगर आपने पैटर्न लगाया है तो मैंने आपको कहा कि पैटर्न लगाया है तो आप तुरंत उसे पहले पिन या पासवर्ड में चेंज कर लीजिए, तभी आप, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पिन डाल दिया, उसके बाद ये डेटा को डिक्रिप्ट कर रहा है और अभी ये फटाक से डिक्रिप्ट कर देगा डेटा को। अब आप देख सकते हैं मेरा डेटा डिक्रिप्ट हो चुका है और अब आप देख सकते हैं मेरी स्टोरेज दिखा रही है 14.5 GB का डेटा मुझे दिखा रहा है कि इंटरनल स्टोरेज में इतनी मेमोरी है। और अब मैं इसे सिंपली यहां से बैकअप ले सकता हूं, रिस्टोर कर सकता हूं, कोई भी रोम फ्लैश कर सकता हूं। अब मैं सिंपली स्वाइप करके यहां पे आपको बैकअप लेके दिखाता हूं। ये देखिए मेरा बैकअप स्टार्ट हो चुका है, मैं बैकअप ले रहा हूँ यहाँ पे अपने फोन से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आपका कोई और सवाल TWRP से रिलेटेड तब भी कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।